तो 12वीं पास एक लड़का, एक युवक, अब लड़का नहीं कहूँगा, शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, एक युवक इतना कमाल कर सकता है, तो सोचिए यदि आनंद महिंद्रा जैसे लोग अगर उनका इनके सर पे हाथ पड़ जाए तो ये क्या कर सकते हैं। पिताजी आपके कह रहे हैं कि 12 के बाद लड़का हमारे पढ़ लेना है, BA एक साल पढ़ लें फिर छोड़ दे ले। हाँ, आनंद महिंद्रा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, मिलना चाहिए था यार एक बार आपको। ये महिंद्रा जी आपको बुलाए थे मिलने के लिए, गए आप? पिताजी कह रहे थे BA कराओ तो नहीं कहीं बना ही कहीं, और मिलने की इच्छा जाहिर किए तो कहीं ना कहीं उसमें लाभ तो आपका भी था। और पिताजी आपके बता रहे थे एक दो और कार आप खरीद के लाए हैं उसको, लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिले प्रॉपर तो आप और बेहतर कर सकते हैं। कि कोई कितना भी बड़ा स्टार आ जाए इंटरव्यू देने के लेने के लिए, लेकिन यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि इनके कस्टमर बंधे हुए हैं। मतलब यदि अगर आपको वो फ़ोन कर दें तो आप जाएंगे मिलने? फोन या थोड़ा नज़दीकी कॉन्टैक्ट होता, थोड़ा पर्सनली कॉन्टैक्ट होता तो, मतलब दूर दूर होने की वजह से नहीं जा पाते। इस वक्त मैं बस्ती में मौजूद हूँ और मेरे साथ शिव पूजन मौजूद हैं, वही शिव पूजन जिनकी कार को लेकर आनंद महिंद्रा जी ने ट्वीट किया था और इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। हालांकि ये बाद में उनसे मिले या नहीं या इनसे अभी पूछा जाएगा, लेकिन इनके घर में गया था। और चूंकि अब देखिए शिव पूजन जो है डेयरी चलाते हैं, दूध बेचते हैं, पनीर बेचते हैं, और ये उनकी छोटी सी दुकान है जहाँ पे ये रोजी रोटी के लिए डेली मतलब आ जाते हैं सुबह और शाम के समय में। और ये जो टाइम है वो कि कोई कितना भी बड़ा स्टार आ जाए इंटरव्यू देने के लेने के लिए, लेकिन यहाँ से हिलने वाले नहीं, क्योंकि इनके कस्टमर बंधे हुए हैं, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। और हमने जब इस चीज़ को समझा तो हमें लगा कि इनके कार को घर देख लेते हैं और इनसे मिलने इनके डेयरी वाले दुकान पे आ जाते हैं। शिव पूजन जी क्या चल रहा है इन दिनों? अब यही डेयरी का काम चला रहे हैं। और वो पानी के बरसात के कारण मतलब गाड़ी यहाँ नहीं लेकर आए, नहीं तो गाड़ी तो आती ही है। अच्छा, यहाँ पे लेके आते हैं? हाँ, गाड़ी यहाँ आती है, वो इसीलिए बनाई है। 25 किलोमीटर की दूरी है घर से, तो 100 किलोमीटर मतलब पड़ जाता है, जैसे सुबह 50 किलोमीटर और इस जून 25 और लौटते समय 25, तो 100 किलोमीटर डेली चलती है गाड़ी। अभी बरसात के मौसम के नाते नहीं आ गाड़ी, तो हम आपका चलाएं, बहुत शानदार चल रही है, चलाए थे। ठीक, तो ये बताइए कितना लागत लगा है उसको पूरा बनाने में? वो लग गया 1.5 लाख। 1.5 लाख कुछ है, मतलब कि ऑफर, मतलब ये महिंद्रा जी आपको बुलाए थे मिलने के लिए, गए आप? नहीं, वो ट्विटर पर बुलाए थे और पर्सनल कॉन्टैक्ट ना होने के नाते हम नहीं गए। जैसे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट होता, नज़दीकी कॉन्टैक्ट होता तब जाते, अब ट्विटर का ट्यूट ही था केवल, उसे सुनकर हम कहाँ जाएँ। मतलब यदि अगर आपको वो फ़ोन कर दें तो आप जाएंगे मिलने? फ़ोन या थोड़ा नज़दीकी कॉन्टैक्ट होता, थोड़ा पर्सनली कॉन्टैक्ट होता तो, मतलब दूर दूर होने की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। कारण क्या? जैसे वो बहुत बड़े आदमी हैं और यदि मान लीजिए वो बुलाएँ और मिलने की इच्छा जाहिर किए तो कहीं ना कहीं उसमें लाभ तो आपका भी था। नहीं, थोड़ा पर्सनल, थोड़ा नज़दीकी कॉन्टैक्ट होता तब जाते हैं, वैसे नहीं जा रहे हैं। नहीं, वैसे कहाँ चले जाएं। अच्छा, और भी कई सारी चीज़ें छोटी छोटी आपने बनाई, मैंने देखा है कि वहाँ पे आपने वो छांटी वगैरह जो बर्तन बालते हैं वहाँ पे भी मोटर वोटर फिट कर दिया आपने, वो तो खैर हर जगह पे मिलता है। हाँ, चारा मशीन के लिए मतलब खुद बनाए हैं। अभी कुछ दिमाग में चल रहा है ऐसा कुछ और प्लान आगे के लिए? और जो घर का डोर है वो सब हम ही बनाए हैं, ग्लास वाला। मैं देखा वो सब सब कर ले, मतलब कुछ भी। हाँ, लेकिन पिताजी आपके कह रहे हैं कि 12 के बाद लड़का हमारे पढ़ लेना है, BA एक साल पढ़ ले फिर छोड़ दे ले। हाँ, 12 के बाद पढ़ाई नहीं हुई है, मन नहीं लगता था पढ़ाई में। नहीं, वो जो पढ़ाई थी ना उसका कोई लक्ष्य नहीं था, BA MA इसका कोई लक्ष्य है नहीं, इसलिए हम छोड़ दिए। अच्छा, मतलब आपके नज़र में BA MA का कोई लक्ष्य नहीं था? लक्ष्य नहीं था। अच्छा, अगर आपको टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग वगैरह कराया जाता तो आप करते? हाँ, देखिए मेरा मेरे घर की स्थिति उतना सही नहीं थी कि हम उतना पढ़ते आगे, इसलिए हम नहीं पढ़े। पिताजी कह रहे थे BA कराओ तो नहीं कहीं भी नहीं कहीं करा रहे थे, फिर मुझे उसमें वही ना लक्ष्य कुछ नहीं दिखा, फिर हम बंद कर दिए। अभी कितनी कमाई हो जा रही है इसमें? निकल जा रहा 700-800 रुपये रोज निकल जा रहा है। अच्छा, यानी कि मतलब कि अपना खर्चा वगैरह घर का देख ले रहे हैं। शादी हो गई है? शादी हो गई है। कब हुई शादी? शादी तो हो गई है, 4-5 साल हुआ। इसीलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है कि अगर शादी नहीं हुई रहती तब तो आप आ जाते, शादी हो गई है तो बीबी का डिमांड भी पूरा करना है। बीबी डिमांड करती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बच्चे हैं? बच्चे एक एक बच्चा है। बच्ची है कि बच्चा? नहीं, लड़का है। लड़का है। क्या कर, कितने साल का है? वो 5 साल का। पढ़ने भेजते हैं? हाँ, अभी 2-3 महीने से। अच्छा, 2-3 महीने से भेज रहे हैं। तो क्या बनाएंगे लड़के को अब? अभी तो कुछ पता नहीं। कुछ सोचे होंगे ना कि हाँ ये बेटा पढ़ ले? नहीं, कुछ भी नहीं सोचे, जो मन करेगा वो करेगा। मन मौजियाँ। हाँ। तो शिव पूजन जी, मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इतना बढ़िया आपने किया, और आनंद महिंद्रा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, मिलना चाहिए था यार एक बार आपको। हम कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हम? वही ट्यूट सुनकर हम कहाँ जाते? तो मैं अगर मान लीजिए वो चाहते ना तो हम मिलते, वो ट्वीट करके रह गए। हाँ, बस ट्वीट करके रह गए तो हम नहीं मिल पाए।
नंबर वंबर आपका पहुंचवाया जाए उन तक? नंबर उनके पास होगा, क्योंकि पत्रकार देखिए हर एक राज्य से पत्रकार फ़ोन कर चुके हैं, तो नंबर उनके पास भी होगा। अच्छा, मुझे यार लेकिन बहुत लेट में मिला। मुझे मतलब आज आपके घर पे जाके नंबर मिला, मैं बस आपका नाम और आपके गांव का एड्रेस सुना और मैं चल दिया। मैं लखनऊ में था जब मुझे आपके मतलब बारे में पता चला, मेरे रिसर्च टीम ने बताया, मैं लखनऊ से चल दिया। मैंने कहा कि चलो वैसे रास्ते में मिल लेंगे, तो हम बस्ती आए, बस्ती में पूछे आपके गाँव का नाम लेके, तो हरैया आए, हरैया के बाद आपका गाँव का नाम लिए हम लोग, फिर पूछते पूछते पहुँच गए और वहाँ पर जाके फिर आपको हमने फ़ोन किया, वहीं से आपका नंबर मिला। तो ऐसे तो हो सकता है कई लोगों के पास नंबर ना हो। नहीं, जो उनका ट्यूट था ना, उनके ट्यूट में मेरा वीडियो, दो तीन वीडियो था, उसमें मैंने अपने मुझसे अपना नंबर बोला था। अच्छा अच्छा। हाँ, लोग बनाते रहते हैं वीडियो ना, वो वीडियो जब वो वायरल हुआ वीडियो, तो उनके ट्यूट में वीडियो डालने लगा सबका। अच्छा। हाँ, तो नंबर तो उनके पास हो ही गया था। अभी आगे कुछ प्लान है कुछ बड़ा करने का? अरे ये गाड़ी वही बनी है, 1.5 लाख रुपया लगा है, अब 1.5 लाख रुपया नहीं लगा पाएंगे। एक बार हो गया उसमें 4 बैटरी जो कि है, 4 बैटरी 44,000 प्लस 17,000 मोटर, मतलब 62,000-63,000 रुपया खर्चा गया है इधर बैटरी मोटर का, प्लस उसका ढांचा और पहिया बनाने में कुल टोटल 1.5 लाख रुपया बैठा। मतलब ये है कि अगर आपको बनाने के लिए मिल जाए तो आप बना सकते हो? हाँ, वैसी गाड़ी वो तो बना सकते हैं अगर पैसा किसी का हो। मतलब कोई फाइनेंस कर दे तो किया जा सकता है? नहीं, फाइनेंस भी नहीं, जैसे अपने लिए हम लोन भी नहीं लेंगे ना। नहीं, फाइनेंस इन द सेंस कि मतलब कोई पैसा आपको मदद करे तो आप बना सकते हैं। हाँ, उस फाइनेंस का मतलब लोन ही नहीं होता है। वही चीज़ है, फंड होता है, मतलब कि कोई आपको पैसा दे दे और आप। अच्छा, हमारे पास नहीं है बनाने के लिए अब। वहाँ से दिमाग हट रहा है आपका धीरे धीरे अब? नहीं नहीं, हट नहीं रहा, जैसे वो तो मेरी गाड़ी है, ये हम बनाए हैं और बना भी सकते हैं, तो हट नहीं रहा, जैसे वो मेरे डेली यूज में है गाड़ी, रोज चलती है गाड़ी। अच्छा। हाँ, यानी कि बहुत अच्छा हुआ कि मतलब आज आप गाड़ी छोड़ के आए ताकि हम घर पे रख के चला लें। आपको पता नहीं चल गया कि हाँ कोई आने वाला है? अगर घर पर होते तो भी चलवाते। हाँ, जितने लोग आए हैं सब चलाए। नहीं, घर पे होते तो ना, लेकिन आप मतलब गाड़ी लेके चले आए होते तो यहाँ पे हम कहाँ चला पाते? लोग और लखनऊ से आए थे तो हम यही शाम का समय हो गया था, तो वो लोग बमनान जाकर रुके थे, फिर सुबह जब हम 6 बजे आने लगे तो 6 बजे मतलब मिले थे। नहीं तो मेरे पास थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए हम ये सोचे कि गाड़ी से वहाँ मिल लेते हैं और आपसे यहाँ मिल लेते हैं। चलिए शिवपूजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो 12वीं पास एक लड़का, एक युवक, अब लड़का नहीं कहूँगा, शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, एक युवक इतना कमाल कर सकता है, तो सोचिए यदि आनंद महिंद्रा जैसे लोग अगर उनका इनके सर पे हाथ पड़ जाए तो ये क्या कर सकते हैं। एक डेयरी की दुकान संभाल रहे हैं, लगभग 500-700 रुपये डेली कमाते हैं, रोजी रोटी है, पापी पेट का सवाल है, तो करना पड़ेगा। लेकिन यदि आनंद महिंद्रा जैसे लोग अगर सर पे हाथ रख दें तो निश्चित तौर पे, यदि बिना किसी गाइडेंस के अगर उतनी अच्छी कार बना सकते हैं तो अगर थी ना, जैसे 500 का पेट्रोल लगता था डेली, तो वही 500 रुपया बचाने के चक्कर में इसलिए बन गया। हाँ, लेकिन अगर आपको गाइडेंस मिले प्रॉपर तो आप और बेहतर कर सकते हैं। वो तो है, वो जैसे मेरा निजी अकेला दिमाग है अभी तक, वही मैं कह रहा था कि यदि इनको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलने लगे तो ये और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और सरलता देखिए कितनी, मतलब शालीनता के साथ, सरलता के साथ ये सारी जवाब। पैसा लगे ना, वो ऊंची बनेगी और थोड़ा पहिया मोटा होगा, मतलब और ज़्यादा पैसा लगेगी तो मतलब जो और बेहतर होगा, और बेहतर होगा। लेकिन आपने फार्मूला 1 एकदम बना दिया उसको, एकदम देखने के बाद लगता कि हाँ रेसर कार जो नहीं टीवी में चलता है वैसा एकदम लग रहा था। वो तो है, स्पीड है वही 60-50-60 50 तो उसमें मीटर भी लगा हुआ था, हालांकि मीटर कभी कभी गड़बड़ा जा रहा था। हाँ, वो पानी बरसता है ना वहाँ, मैदान में खड़ा रहता है, पूरा भीगता है। और पिताजी आपके बता रहे थे एक दो और कार आप खरीद के लाए हैं उसको बनाने के लिए? नहीं नहीं, कार वो है यही दूध ढोने के लिए है, यही है, एक यहाँ आई है 800। अच्छा, और ये अल्टो भी आप मतलब कहीं भंगार से लाए थे और बना दिए? पीछे वाले के इनके खरीदे हैं, पीछे मकान के पीछे जिनका घर, यानी जोगाड़ विधि से कुछ भी कर सकते हैं आप। हाँ, प्रयास रहता है आपका? यही प्रयास तो रहता ही है, घर पर भी कई आविष्कार आप देखे ही है, मतलब जो आवश्यकता होती है हम उसे बनाते हैं। जैसे आपको लगा कि हाँ इस पे कुछ काम कर देना चाहिए, हाँ। कर देते हैं। हाँ, चलिए, दुकान की आपकी भीड़ बढ़ रही है और लोग भी बढ़ रहे हैं, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका एक एक समय कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। मैं बस महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी से एक अपील करूँगा, ट्वीट किए हैं सर तो नंबर भी है, फ़ोन कीजिए, लड़के को बुलाइए, काम की चीज़ें, कमाल की चीज़ें, हो सकता है कि आपके आपका हाथ लग जाए तो यह जो सोना है निखर के हीरा बन जाए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो हीरे की परख है जौहरी को ही होती है, तो मुझे लगता है एक निवेदन है आपसे कि अगर ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं तो सिर्फ ट्वीट मत के लिए फ़ोन करके बुला लीजिए। बाकी कैमरे के उस पार से सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप
इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।